Good morning, students. Good morning once again. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Editorials and Articles Discussion on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy ke YouTube channel The Concept mein aap sabhi logon ka swagat hai, students. We are going to see two articles published in The Hindu today, relevant from UPSC point of view. But before proceeding ahead, let me know if I'm audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. Yes, good morning, Namaskar, Jai Hind. This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field. For the past one decade in offline mentoring, past 1 year in online mentoring upon Unacademy. In UPSC, I have appeared twice for the personality test in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner sales tax in Uttar Pradesh State Services through UPPCS examination. For 3 years I worked, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. I am fit and fine. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए. मैं एडवाइस करूंगा एनुअल प्राइस हाइक शेड्यूल्ड है 9 दिसंबर को प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे. गो फॉर इट नाउ इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन. अभी आपको हाइक नहीं है प्राइसेस में, प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, सो डबल बेनिफिट मिल रहा है. गो फॉर इट नाउ एंड यू कैन सी इट हियर. प्लस में तो आपको क्लासेस और मॉक टेस्ट का अनलिमिटेड एक्सेस. आइकॉनिक में लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको मिलेगा. एंड बोथ दीज प्लान्स 1, 2, 3 ईयर प्लान्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक यू कैन सी इट हियर. यूज रेफरल कोड अनुराग ANURAG टू गेट अ 10% ऑफ ऑन दीज प्लान्स एंड ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट. यू विल गेट अटैच इन माई व्हाट्सएप ग्रुप. एंड EMIs में भी आप पेमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. लोन्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट 0% इंटरेस्ट रेट एज यू कैन सी इट हियर. चलिए आगे बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ. ये देखिए 8 दिसंबर से नए बैचेस कमिंग हैं एंड दिस इज माय प्रोफाइल लिंक अपॉन द अनअकैडमी अनुराग IMS. शाम को आज 7:30 बजे आज लेक्चर है, MCQs का सेशन है, जरूर से आइएगा. तो लेट्स स्टार्ट 6th दिसंबर एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स द हिंदू. हम लोग आज द हिंदू के आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है. तो आइए सबसे पहला आर्टिकल द नीड. बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी के साथ में. द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ीज, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट रोबस्टली इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल प्रोग्राम ऑन अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज. एक ओपिनियन आया है, कमेंट आया है ये, ठीक. कमेंट एंड ओपिनियन आर मीन्स गिवन बाई रिटन बाई सम पर्सन्स देयर एंड इट इज पब्लिश इन द न्यूज पेपर्स. यू कैन सी इट हियर. एंड आंगनवाड़ी का क्या रोल है लॉकडाउन के बाद ये समझ में आया, उसको रीओपन किया जाए ये लिखा हुआ है, प्लस उसको थोड़ा सा और इन्हांस किया जाए उसका परफॉर्मेंस ये लिखा हुआ है. हैव अ लुक. तो आंगनवाड़ी क्या होता है पहले पढ़ लिया जाए पहले, ठीक है. किसी भी आर्टिकल को पढ़ने से पहले लेट्स सी दैट व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, देन इट विल बी बेटर टू टेक अप द आर्टिकल. हैव अ लुक. Anganwadi is a type of rural child care center in India. They were started by the Indian government in 1975 as a part of Integrated Child Development Services (ICDS). ये देखिए, to combat child hunger and malnutrition. Anganwadi means courtyard shelter in Hindi. Anganwadi, ठीक है. A typical Anganwadi center provides basic health care in the village. गांव के अंदर basic health care. It is a part of Indian public health care system. Yes. Basic health care activities include contraceptive counseling and supply, nutrition education and supplementation, as well as preschool activities. The centers may be used as depots for oral rehydration salts (ORS), basic medicines and contraceptives. ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गांव के लोगों में वाया आंगनवाड़ी. ये देखिए, एज ऑफ 31 जनवरी 2013 एज मेनी एज 13.3 लाख आंगनवाड़ी एंड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स वर ऑपरेशनल. ये देखिए, दीज सेंटर्स प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज इट नीडेड, यस. नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, यस. अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज ऑफ विच द लास्ट 3 आर प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विद द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. ये देखिए, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज एंड इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइज भी किया जा रहा है बच्चों को वहां पे, उस जगह पे, यस. वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर,
उसी के अंडर में काम कर रहा है, हैज लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स. दीज गाइडलाइंस इंक्लूड शोइंग कम्युनिटी सपोर्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, कंडक्टिंग रेगुलर क्विक सर्वेज ऑफ ऑल फैमिलीज, ऑर्गेनाइजिंग प्री स्कूल एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन स्पेशली टू प्रेग्नेंट वुमेन, यस, मोटिवेटिंग फैमिलीज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ किशोरी शक्ति योजना, एजुकेटिंग टीनेज गर्ल्स, फोकसिंग अपॉन जेंडर बैलेंसेज इन द सोसाइटी. ये देखिए मैंने इसीलिए बता दिया पहले कि अब आपको आसान हो गया पढ़ाई. डू यू एग्री? आसान लग रहा है आपकी? आंगनवाड़ी का फंक्शन क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड केयर दोनों, वुमेन में प्रेग्नेंट वुमेन पे स्पेशल केयर, फैमिली प्लानिंग भी अडॉप्ट करने के लिए आंगनवाड़ी एडवाइजरी सर्विसेज, ऑल्सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, वेरी बिग पॉइंट आउट हियर आंगनवाड़ी. अब यही आंगनवाड़ी को बंद कर दिया गया था लॉकडाउन में, उसको रीओपन किया जाए, ये राइटर्स लिख रही हैं यहाँ पे. ये देखिए, हैव अ लुक. द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ीज, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट रोबस्टली इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल प्रोग्राम ऑन अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज. आइए अब पढ़ते हैं इस आर्टिकल को. ये देखिए, एंड यस, व्हाट इज ICDS? ICDS में ही शुरू किया गया था ये 1975 में. ICDS वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स. ये पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है. To lay the foundation for proper physiological, physical and social development of child, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropouts. जो बच्चों में परेशानी है वो सब खत्म करना. इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो being closed, अब देखिए शुरू करते हैं अब आर्टिकल को. Being closed since April 2020 lockdown, आंगनवाड़ीज are slowly reopening. Those in Karnataka, Bihar and Tamil Nadu are opening or considering opening shortly. As part of integrated child development services, आंगनवाड़ीज play a crucial role in supporting households, particularly from low income. क्या बात है, low income families को support यहीं से मिलता है. ये देखिए, by providing child care, health and nutrition, education, supplementary nutrition, immunization, health checkup and referral services. वही चीजें जो हमने हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है, जो वेबसाइट पे पढ़ा हम लोगों ने वही चीज यहाँ पे आ गया. The largest in the world ICDS, largest program in the world, caters to about 88 million children. 88 million children. आप सोच रहे हैं इस चीज को? Can just imagine कितना बड़ा प्रोग्राम है ये. Means it's almost, it's approximate, it's, you can see it here, 8.8 crore children. ये देखिए, aged 0 to 6 years in India. And their closure significantly impacted service delivery and weakened an important social safety net. क्या इनको बंद करना बहुत खराब रहा उन बच्चों के लिए जो लो इनकम फैमिली से आते हैं? यस. अब आप कहेंगे कि सर आंगनवाड़ी को हम कहाँ रिलेट करते हैं एथिक्स पेपर में? GS पेपर 4, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकल्केटिंग वैल्यूज. रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आंगनवाड़ीज. दैट्स इट. I hope you got the crux. And yes, someone has put up out here in the chat box, Anganwadi is the place where a child comes out to society for the first time. Very good statement. So Anganwadi ka ek aisa, means aisa ek support structure tayar ho gaya ki jiske bina ab imagine nahi kiya jasta gaon ke andar this development of the child and the woman. Aur yahi isi mein this जस्ट अभी हम लोगों ने एक केस स्टडी देखा था. एक कलेक्टर थी असम की, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, की कैरिड आउट, द कलेक्टर कैरिड आउट सम प्रोग्राम्स एंड इट वाज कैरिड आउट इन द आंगनवाड़ी, द बडी मदर्स कंसेप्ट, सुना होगा आपने. वहीं पे आंगनवाड़ी में किया गया प्रोग्राम एंड इट ब्रॉट अबाउट अ मैसिव चेंज इन द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ द चाइल्ड. So, surveys by ID Insight across 5 states in November 18 and November 19 found that Anganwadi workers were a primary source of nutrition information for the families. Ye dekhiye, primary source of information. Even as Anganwadi resumed services, the closure has impacted their ability to serve as child care centers. Closure to hua hi tha and sabse zyada asar child care pe pada. Yes, agreed. Ye dekhiye. Next, according to National Family Health Service data,
लेस देन 15% ऑफ 5 ईयर ओल्ड अटेंडेड द एनी प्री प्राइमरी स्कूल एट ऑल. ये देखिए 2019-20 में ये चिंता की बात है. ठीक है. अ रिसेंट स्टडी एस्टिमेट्स दैट द टाइम वुमेन स्पेंड ऑन अनपेड वर्क मे हैव इंक्रीज बाई 30% ड्यूरिंग द पैंडेमिक. अब आंगनवाड़ी की और ज्यादा जरूरत है कोविड के बाद. एग्री कर रहे हैं तो मुझे यस कीजिए चैट बॉक्स में. सेंडिंग यंगर चिल्ड्रन टू आंगनवाड़ीज विल फ्री अप वुमेन्स टाइम. यस. इंक्लूडिंग फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अर्ली चाइल्डहुड द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स ऑफ एज इज अ क्रूशियल डेवलपमेंट विंडो. एग्रीड. बिल्कुल अग्रीड. As platforms for early childhood education and nutrition support, आंगनवाड़ीज can play an important role for children to achieve their potential. आज की तारीख में जहाँ पे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है, गांव हो या शहर, दोनों लोग यानी हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, ऐसे केस में कितनी जगह पे इवन इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाके देखिए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग ऑन द सेम कंस्ट्रक्शन साइट एज इनफॉर्मल सेक्टर लेबर. एंड वहाँ पे बच्चे पे ध्यान नहीं जा रहा है, मोबाइल फोन हाथ में है बच्चे के, चिंता की बात है. कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है दैट आंगनवाड़ी, देखिए पहले 5 साल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, माइंड का डेवलपमेंट, और इसी समय अगर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत चिंता की बात है. और कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का एक्सेसिव इस्तेमाल, यही आपने देखा होगा, मोबाइल फोन का एक्सेसिव इस्तेमाल ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर रहा है बच्चों के मानसिक जो डेवलपमेंट है उसमें. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेसेस आंगनवाड़ीज एट द सेंटर ऑफ द पुश टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. यस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आंगनवाड़ी ही रोल प्ले करेगा, कोई और नहीं प्ले करेगा रोल पूरे इंडिया में. एंड लास्ट वीक द गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ फेज्ड रोल आउट ऑफ ECCE प्रोग्राम अक्रॉस ऑल आंगनवाड़ीज कवरिंग 1/5 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22. ये देखिए तो 1/5 आंगनवाड़ीज में शुरू किया जा रहा है. सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जरूरी है. Even as we acknowledge their heroic work and push for urgent reopening, we need to offer solutions to their myriad challenges. ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी में challenges नहीं है, बहुत बड़े challenges हैं, वही challenges discuss किए जा रहे हैं. पहला point, despite being the primary information source on nutrition, आंगनवाड़ी workers can lack key knowledge as found by studies in Delhi and Bihar. कितनी जगह पे आंगनवाड़ी workers को पूरा knowledge नहीं होता है या incomplete knowledge होता है. क्या ये impact करेगा समाज के ऊपर, society के ऊपर? Yes. सेकेंड पॉइंट, सर्वेज वी कंडक्टेड इन 2018-19 फाउंड दैट अमंगस्ट मदर्स लिस्टेड विद आंगनवाड़ी वर्कर्स नॉलेज अबाउट की हेल्थ बिहेवियर सच एज कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड हैंड वॉशिंग वॉज वेरी लो. इसका मतलब है इंफॉर्मेशन डिसमिनेट भी नहीं किया जा रहा अच्छे से मदर्स में. आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑफन डू नॉट हैव सपोर्ट और ट्रेनिंग टू प्रोवाइड. ECCE ट्रेनिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक अप सिग्निफिकेंट टाइम एंड कोर सर्विसेज लाइक प्री स्कूल एजुकेशन आर डी प्रायोरिटाइज. ये देखिए इसका मतलब है प्रशासनिक जो काम है, अटेंडेंस, बुलाना, रखना एक जगह पे, कागज का काम, वो ज़्यादा टाइम ले ले रहा है एज कम्पेयर टू जो कोर फंक्शन होना चाहिए. वही बात हो गई कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नॉट कंपेयरिंग बट आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जाम्पल. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और आपका काम, आपका समय चला जा रहा दिन भर किताब इकट्ठा करने में, कॉपी ओपन करने में, पेन के कलर चूज करने में, मार्कर निकालने में, पेस्ट करने में, वीडियो लेने में, अपना उसी में चला गया. जब पढ़ने का समय आया सो गए जाकर आप. हियर द पॉइंट. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर. अटेंडेंस, पेपर वर्क, फाइलिंग, पेन, सब काम हो गया, फिर जो रियल काम था वो पीछे छूट गया, प्रायोरिटी से अलग हट गया. वही जैसे आपकी तैयारी में वही होता है कभी कभी, आपने देखा होगा. Yes, I've seen many people means taking up videos also of their preparation and putting up on the YouTube and all that. ठीक है, ठीक है भैया, वीडियो डालिए, लेकिन काम है, पढ़ाई भी है, वो भी देखिए आप. A typical worker spends an estimated 10% of the time, 28 minutes per day on preschool education compared to recommended 120 minutes. ये देखिए वही जैसे आपका भी होता है. A UPSC aspirant, I'm not comparing but I'm giving example, should spend at least 8 hours, 6 to 8, 8 to 10 hours per day. Spending only 2 to 4 hours per day. So आंगनवाड़ीज also lack adequate infrastructure. Infrastructure की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये social infrastructure में आता है and it is lacking in the country. ये देखिए आज हमने judicial infrastructure की बात देखी, उसका उसमें condition खराब है, यहाँ की तो बात क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं. Next, नीति आयोग found that
नीति आयोग फाउंड दैट ओनली 59% ऑफ आंगनवाड़ीज हैड एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है फॉर चिल्ड्रन वर्कर्स. ओनली 59% आंगनवाड़ीज है, यानी बाकी 41% डजंट है. एंड मोर देन हाफ ऑफ देम वर अनहाइजीनिक. इसका मतलब क्या है? बीमारियों का घर हो सकता है ये? यस. ये देखिए, दीज इशूज वर्सन इन एन अर्बन कंटेक्सट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज एट आंगनवाड़ीज एट ओनली 28%. ये देखिए, तो बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 28% अर्बन एरियाज में. देखिए, एंड डीपनिंग इम्पैक्ट. ये देखिए, एज आंगनवाड़ीज रीओपन वी मस्ट प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन विद अ डेमोंस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड इवेलुएट न्यू वंस. इंटरवेंशन आने जरूरी हैं, और किसी एक आंगनवाड़ी में, किसी एक स्टेट में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक गाँव में अगर किसी नए इनोवेशन से कुछ सफलता प्राप्त हुई है, वी नीड टू रेप्लीकेट द सक्सेस इन अदर एरियाज. डू यू एग्री? टेल मी. रीसेंट इनिशिएटिव्स अराउंड होम बेस्ड न्यू बॉर्न एंड यंग चाइल्ड केयर आर प्रॉमिसिंग, बट दे नीड टू एक्सटेंड बियॉन्ड द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ विद सीमलेस कोऑर्डिनेशन विद आंगनवाड़ी वर्कर्स. तो इसका मतलब साफ साफ है दैट होम विजिट्स कैरी आउट किए जा रहे हैं कोविड टाइम्स में. यस, ओके. एंड वॉलंटियर्स आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन एंड केयर गिवर्स, बट डू दे नीड आंगनवाड़ी सपोर्ट? यस. घर में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो आंगनवाड़ी में होगा. आंगनवाड़ी एक केवल इंस्टीट्यूशन नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक सोसाइटी है बच्चों के लिए, समाज का गठन. ये देखिए, तो यहाँ पे मेनी स्टेट्स विल हैव टू इंप्रूव करियर इंसेंटिव्स एंड रेमुनरेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स. वन वे टू एंश्योर दे हैव मोर टाइम इज टू हायर एडिशनल वर्कर्स एट आंगनवाड़ी. वर्कर्स की तो कमी हर जगह है इंडिया में. और इस हायरिंग से पता है क्या सबसे बड़ी बात होगी स्टूडेंट? ये अगर हायर किया जाएगा लोकल्स को तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, मल्टीपल मीन्स इम्पैक्ट. क्योंकि महिलाएं अगर आएंगी आंगनवाड़ी में, जेंडर बैलेंसेज आएंगे रीजन में, लीडरशिप क्वालिटीज आएगी वुमेन में. डू यू एग्री? टेल मी इन द चैट बॉक्स. भाई देखिए, यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आपसे अगर कोई पूछेगा आंगनवाड़ीज में क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या लिख लोगे अब आप लोग? आंगनवाड़ीज प्रॉब्लम्स फेस्ड. ये देखिए, एंड व्हाट इंटरवेंशंस आर नीडेड लिख लोगे? व्हाट इंटरवेंशंस आर नीडेड? यस, क्या नीडेड है लिख लोगे आप लोग? अब तो कुछ आइडिया लग गया ना क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं. सबसे पहला, द वर्कर्स लैक की हेल्थ इंफॉर्मेशन. अभी आपने पढ़ा लैक की इंफॉर्मेशन. सेकेंड, दे lack the skill to disseminate the information, to disseminate, बताने में भी परेशानी, skill नहीं है. Third, lack infrastructure facilities. ये देखिए. Fourth, unhygienic at many places. ये देखिए, lack infrastructure में seating capacities बहुत कम है. ये देखिए. Fifth point, lack training infrastructure. Do you agree? ट्रेनिंग इज लैकिंग. ये देखिए, और ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, सिक्स पॉइंट, स्टूडेंट्स दिस मच ऑफ द टाइम गोज अवे इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. यहाँ मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मैक्सिमम टाइम चला जाता है. ये देखिए, ये 6-7 तो दिक्कतें सामने दिख रही हैं आपको. ठीक है, और तो और कहेंगे दैट दिस इंसेंटिव्स ज़्यादा अच्छे नहीं है. इंसेंटिव्स आर लेस इन मैनी स्टेट्स, इंसेंटिव्स आर लेस, रिक्रूटमेंट्स आर लो. ये देखिए, क्या बढ़िया बात अगर रिक्रूटमेंट यहाँ करवाया जाए वुमेन का गांव में, तो इतना अच्छा रहेगा कि यहाँ पे जेंडर बैलेंसेज आ जाएंगे. ये देखिए, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा. डू यू एग्री स्टूडेंट्स? अगर केवल यहाँ नौकरी बढ़ा दी जाए, ये देखिए, गाँव में हेल्थ एंड हेल्थ लेवल्स अप हो जाएंगे. ये देखिए, और कहीं नई जगह नौकरी नहीं ढूंढनी है गांव में, अगर आपको आंगनवाड़ी में ही आप बढ़ा दीजिएगा, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए. देखिए यहाँ पे, यस, एक और भी परेशानी है, वेरी गुड पॉइंट, लेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ये देखिए, लेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो स्टूडेंट्स, अब मेरे हिसाब से आप इजीली लिख लीजिएगा ना क्या क्या आंगनवाड़ीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, 8 प्रॉब्लम्स, इंटरवेंशंस क्या क्या चाहिए, देख लीजिए. ठीक है, सो दैट्स इट. आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ऑफ आंगनवाड़ीज. इंडियन सोसाइटी में आ सकता है GS पेपर 1 में.
इंडियन गवर्नेंस में आ सकता है, जीएस पेपर टू में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस में ज़रूर से ज़रूर ये एक्सपेक्टेड एरिया रहेगा। थर्ड पॉइंट अगर आप मेरे से पूछिएगा तो दिस कैन ऑल्सो कम इन इंडियन इकोनॉमी, यस, बट गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा इसका सवाल आता है, दिस द रोल ऑफ आंगनवाड़ी इन प्रोमोटिंग, इन प्रोमोटिंग हेल्थ सपोर्ट एंड एजुकेशन सपोर्ट एट द प्राइमरी लेवल एंड वॉट प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग, दैट्स इट। बताइए आंगनवाड़ी से, यस, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, देखिए वो किसी ने पुटअप किया है लोकल गवर्नमेंट में, इतना करप्शन वहाँ पे दैट इवन द दिस न्यूट्रिशियस फूड वॉज टेकन अवे बाय अ सिंगल पर्सन, द लीडर। तो चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक देखते हैं, कॉपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग रेफेसन मोमेंट। रेफेसन मोमेंट नाम पढ़ा, देखिए यहाँ पे आई देखते हैं स्टूडेंट्स, रेफेसन मोमेंट नेम क्यों पढ़ा, आई देखते हैं, हु व्हाट इज रेफेसन या हु वाज रेफेसन। तो फ्रेडरिच विलहेम रेफेसन, बॉर्न 1818 मार्च, किंगडम ऑफ प्रशिया जर्मनी, देखिए यहाँ पे, एंड He is known as the father of cooperative banking and cooperative societies in the Western world, pioneer of cooperative banking in the Western world, in Europe and USA। ये देखिए इसका साफ साफ मतलब है, रेफेसन के कारण वहाँ पे cooperatives empower हुए थे, कहाँ पे, जर्मनी में, कहाँ पे, इटाली में, कहाँ पे, यूरोप में, कब की बात है, आज से दो सेंचुरीज लगभग, वन एंड हाफ सेंचुरीज बैक, ये देखिए। और वही रेफेसन मोमेंट इंडिया के कोऑपरेटिव्स में नहीं आ पाया है, इसलिए ये राइटर लिख रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहा है कि आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया की इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड है कि नो ऑटोनॉमी, एंड रेफेसन जिस हिसाब से उन्होंने एम्पावर किया था कोऑपरेटिव्स को जर्मनी में, वैसा समय काश इंडिया में भी देखने को मिले, दैट्स इट। आइए देखते हैं व्हाट रेफेसन ने क्या कहा था, बहुत मींस आई वाज, इसी तरह डिले हुआ, आई वाज सीइंग हिज कंट्रीब्यूशंस, ऑसम कंट्रीब्यूशन, आइए देखते हैं क्या इन्होंने कहा है, लेट्स सी। रेफेसन कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये देखिए कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द यंग मेयर ऑफ फ्लैमर्सफेल्ड, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द फार्मर्स हु वर ऑफन इन द ग्रिप ऑफ लोन शार्क्स, द सेम चीज जो इंडिया में है, वही मनी लेंडर्स साहूकार। He founded the first cooperative lending bank and in effect the first rural credit union in 1864. ये देखिए यहाँ पे। Motivated by the misery of poor part of the population, he founded during the starvation winter of 1846-47, he founded a association, ये देखिए, association for self procurement of bread and fruits, self procurement. He bought flour with the help of private donations. The bread was baked in a self-built bakery and distributed on credit to the poorest amongst the population. शुरुआत यहीं से होती है बहुत सारी चीज़ों की, वही चीज़ जो आप देखते हैं आज, social safety net for the poor, वही जो poverty alleviation programs in India, उसका insight यहीं से दिखता है, देखिए यहाँ पे। Getting the point? And apart from this, to secure the liquidity, ये इनका complete ये role था cooperatives को फीजेबल प्रैक्टिकल शेप देकर, जमीनी रूप देकर विश्व के सामने लेते आना, उसी से आज तक पूरे विश्व में कोऑपरेटिव्स चल रहे हैं। टेल मी वन थिंग, कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेटिव्स, इसी पे तो चल रहा है पिछले दो हफ्ते से डिस्कशन, व्हाइट रेवोल्यूशन वाज अ सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, डू यू एग्री, टेल मी, ये देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन वाज अ सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया, यस एग्रीड, जहां जहां कोऑपरेटिव्स काम किए हैं वहां वहां सफलता हासिल हुई है, जहाँ कोऑपरेटिव्स काम नहीं किए वहाँ सफलता नहीं हासिल हुई है। आइए देखते हैं और क्या कहा था रेफेसन ने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। रेफेसन स्टेटेड दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन पॉवर्टी एंड डिपेंडेंसी, क्या बड़ी बात है, यही तो था जिसने, मींस आई वाज जस्ट इन अ ट्रांस स्टेट सीइंग दिस स्टेटमेंट। रेफेसन ने कहा कि गरीबी और डिपेंडेंसी में बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा लिंक है, डिपेंडेंसी टेंड्स टू क्रिएट पॉवर्टी, यस, वाओ, व्हाट अ कंसेप्ट, ये देखिए,
टू फाइट पॉवर्टी वन शुड फाइट डिपेंडेंसी फर्स्ट। अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो गरीब रहिएगा। बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज में आप किसी पर निर्भर हैं तो आप गरीब रहिएगा। तब तक गरीब रहोगे जब तक निर्भर रहोगे। जिस तारीख को आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, गरीबी छूट जाएगी पीछे। एंड दिस इज वॉट ही टॉक्ड अबाउट, दैट टू फाइट पॉवर्टी वन शुड फाइट डिपेंडेंसी फर्स्ट। ये देखिए, एंड इसी बेसिस पे ही केम आउट विद अ 3S फॉर्मूला टू फाइट पॉवर्टी, सेल्फ हेल्प, सेल्फ गवर्नेंस एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ गवर्नेंस का मतलब पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये देखिए, एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को एथिकल, एथिकल कॉमन मैन, इंडियन सिटीजन, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन अ एथिकल फैशन। ये देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, PRIs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये देखिए, SHGs, ये देखिए, ये सब रेफेसिन का दिया हुआ कंसेप्ट, एंड आज तक इवन वी डिडंट नो अबाउट इट। ये देखिए, यहाँ पे मैसिव कंट्रीब्यूशन। अगर मेरे से कोई पूछेगा पॉवर्टी के ऊपर, कोई एक ऐसे पूछेगा, कोई एक सवाल पूछेगा, मैं तो यही लिख दूंगा, पॉवर्टी खत्म करने के लिए डिपेंडेंसी खत्म करना जरूरी है। वेरी गुड स्टेटमेंट। यस, द मोमेंट वी आर इंडिपेंडेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स, वी जस्ट गो आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से हम हट जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कैसे हमें एम्पावर करना है खुद को। और यहीं पर उन्होंने कहा, इसी चीज़ को डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कीजिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए PRIs का गठन कीजिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट कीजिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे, तो हैव अ लुक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये देखिए, ऑफ द कॉमन मैन। ये देखिए, बस दैट्स इट। और इसी पे ये आर्टिकल बेस्ड, ये आर्टिकल कह रहा है कि आज तक इंडिया में कोऑपरेटिव्स का वो समय नहीं आया जो आना चाहिए था। इतना सब कुछ हुआ, सच इनिशिएटिव्स वर टेकन, वाइट रेवोल्यूशन केम अप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स केम अप, लेकिन कोऑपरेटिव्स डिडंट सी दैट हाइट्स विच इंडिया, विच दे कुड हैव सीन इन द कंट्री, आवर कंट्री कॉल्ड एज इंडिया। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? टेल मी, कोऑपरेटिव्स में अभी भी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। आइए देखते हैं उन परेशानियों के ऊपर, एक नजर डाला है इन लोगों ने, ठीक है, इस आर्टिकल ने। आइए देखते हैं, कोऑपरेशन हैज फेल्ड बट कोऑपरेशन मस्ट सक्सीड। ये देखिए, ये दिस वाज रिटन बाय ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी 1954। ये देखिए, फेल्ड इन इंडिया बट इट मस्ट सक्सीड। अगर इंडिया को आत्मनिर्भर हर इंडिविजुअल को बनना है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन मस्ट सक्सीड। उसके बाद द होल आर्टिकल टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री। हिस्ट्री, ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, यूरोप से शुरू किया, देखिए ये फ्रेडरिच रेफेसन का रोल यहाँ पे, इंडिया में गिलबर्ट स्लेटर का रोल। ये देखिए, गिलबर्ट स्लेटर वॉज द फर्स्ट पर्सन इंडिया हु टॉक्ड अबाउट दैट कोऑपरेटिव्स कैन लीड इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी। ये देखिए, उसके बाद दिस, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का रोल। ये देखिए, सबसे बड़ा रोल और पहला रोल और अंतिम रोल वहीं पे रह गया। कहाँ पे? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड एंड आगे चलकर अमूल, बस वहीं पे रह गया कोऑपरेटिव सीमित रहकर। ये देखिए, और कोई डिस्कशन ही नहीं है, लिखा हुआ है कोऑपरेटिव्स का केवल रोल एक ही जगह पे हम देखते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन में, और कहीं नहीं। सफलता हासिल मीन्स इन जस्ट सम इरेगुलर सफलताएं हैं कोऑपरेटिव्स की, केवल एक जगह पे बड़ी सफलता, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑल्सो जब तक, जहां कोऑपरेटिव बैंक्स का की बात है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोऑपरेशन इज नॉट देयर, प्लस इट हैज कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बिकम अ बिग एरिया ऑफ करप्शन, जहां पे पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं वो बैठे हुए हैं, जो लोकल MLAs, MPs, क्रिमिनल्स, दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड ध्यान दीजिएगा, दिस दे हैव जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट फंक्शनिंग इन दैट वे एज दे कुड हैव फंक्शनड। तो लिखा हुआ है कि कैसे ठीक हो सकता है, कैसे इसे ठीक किया जाए। How to improve the functioning of cooperatives in the country? First, the powers of the registrar of cooperative societies need to be scaled back. ये देखिए,
लिखा हुआ है, या लिखा पहला चीज कि ओवर रेगुलेशन कोऑपरेटिव्स को किल कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, ऑटोनॉमस बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद का पेट खुद से पालो, ठीक है, और जैसे ही वो कुछ काम करने जा रहे हैं आप टोकना शुरू कर दे रहे हैं कि इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। सो ओवर रेगुलेशन द पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार जहां से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो रेगुलेट करता है सब कुछ, उसका पावर्स स्केल्ड बैक करना पड़ेगा। A British innovation, a British Indian innovation, RCS is a British Indian innovation. It failed to stick to its original role as a facilitator, a friend, philosopher and a guide. It has become inspection and domination guide. ये देखिए, agree कर रहे हैं, देखिए उसका रोल था facilitate करना। British ने यहां शुरू किया registrar of cooperative societies, registration के लिए, friend के रूप में काम करना, philosopher के रूप में काम करना, guide के रूप में काम करना। क्या बन गया ये? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्पेक्शन एंड डोमिनेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुपरविजन, इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत एक्सप्लॉयटेशन भी कभी कभी हो जाता है। ये देखिए सेकंड क्या ठीक करना पड़ेगा। सेकंड, द रूरल अर्बन डाइकोटॉमी इन द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इज आउटडेटेड। इसका मतलब क्या है? गांव के कोऑपरेटिव के लिए अलग नियम और शहर के लिए अलग नियम, ये कैसा विरोधाभास। व्हाई दिस डाइकोटॉमी? This is creating problems. There should be a uniformity in regulations. Do you agree? There should be uniformity in regulations. ये देखिए, ये second recommendation दे रहे हैं ये, ठीक है। Third, cooperative banks का regulation and supervision should move to a new body from the RBI एंड नाबार्ड। एट प्रेजेंट आरबीआई देखता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को और नाबार्ड देखता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को। कहा जा रहा है एक थर्ड बॉडी क्रिएट की जाए। जब नाबार्ड हो सकता है एग्रीकल्चर बैंक्स के लिए, क्यों नहीं एक थर्ड बॉडी जो दोनों को तरीके से हैंडल करे। यस, गेटिंग द पॉइंट। एंड इसका मतलब क्या होगा? कोऑपरेटिव्स में वो स्पेशलाइज करेगा वो एंटिटी कोऑपरेटिव बैंकिंग में, और वो देखेगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स का इंस्पेक्शन सुपरविजन कैसे करना है। एंड लास्ट पॉइंट, ये सब कुछ रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। ये क्यों रेगुलेशन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑथर? क्योंकि अभी जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया। डू यू एग्री? ही इज टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन मेड जस्ट 2 months बैक, इट वॉज इन द न्यूज। ये देखिए, ये कुछ ज्यादा ही रेगुलेशंस नहीं हो रहे हैं फील्ड में? यस, हो रहे हैं। अब ज्यादा ही रेगुलेशंस होंगे तो इनिशिएटिव ही किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 20 लोग इकट्ठा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। किसी ने कहा चलो पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं। कहीं मान चला पोल्ट्री का बिजनेस के लिए 8-10 सर्टिफिकेट चाहिए, वहां से रजिस्ट्रेशन, वहां से ये, वहां से लोन, वहां से ऐसे। ये सोच के उन लोगों ने कहा यार 8-10 सर्टिफिकेट कौन लाएगा, इट्स बेटर यार घर पे चलते हैं, आराम करते हैं। इट्स लाइक दैट। ओवर रेगुलेटेड सेक्टर, ओवर रेगुलेशन किल्स द इनोवेटिवनेस। यस, अगर कोई इनिशिएटिव लेगा भी इनोवेट करने का, किल हो जाएगा वो। क्लियर स्टूडेंट्स? ये वही बात हो गई कि आप तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको 10 बार 20 बार दिन भर में फोन करके बोलूं कि यूपीएससी तैयारी में क्या कर रहे हो, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, पेन दिखाओ, कौन से पेन से लिख रहे हो, कौन से कॉपी पे लिख रहे हो। अब लेकिन कैसा चल रहा है ये सब? इससे अच्छा तैयारी छोड़ देते हैं। द नीदरलैंड्स एक्सपीरियंस, फोर्थ, देखिए फोर्थ पॉइंट यहां पे, The lesson from Netherlands, where cooperative banks owe their success to a segmented market, are pertinent. ठीक है, तो this in India adopting a multi-agency approach in banking sector, especially after bank nationalization has affected the efficiency of both commercial and cooperative banks. साफ साफ मतलब है कि एक ही जगह पे cooperative bank भी बैठा हुआ है और commercial bank भी बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे का बिजनेस हर्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है मार्केट सेगमेंट कर देते कि कोऑपरेटिव बैंक इनको केटर करेगा, कमर्शियल बैंक बाकी लोगों को केटर करेगा। दैट वाज इट, यही लिखा हुआ है। नीदरलैंड्स हैज गिवन अ सेपरेट सेक्टर टू द कोऑपरेटिव बैंक्स टू फंक्शन, कि वहां पे आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, आप देखिए अपने आप को। दिस इज इट, इन शॉर्ट लिखा हुआ है दैट अगर ओवर रेगुलेशन खत्म होगा तभी जाकर रेफेसिन की आत्मा दिखेगी इन इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर। दैट्स इट। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस।
तो एक सवाल यहाँ तो बनता है स्टूडेंट्स, ओवर रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशंस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ये देखिए इज हिंडरिंग इट्स डेवलपमेंट, इज हिंडरिंग इट्स डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन या प्रोपोज या डिस्कस डिस्कस सम स्टेप्स, डिस्कस सम स्टेप्स विच माइट विच विल एम्पावर द सेक्टर, विल एम्पावर द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये देखिए इतना याद रखिएगा, गवर्नमेंट को फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप में काम करना पड़ेगा। ये देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर क्या स्टेप्स, यहाँ चार स्टेप्स दिए मैं, कम से कम वो तो लिखना ही है आपको, और भी कुछ सोच रहे हैं तो लिखिएगा। ये देखिए ओवर रेगुलेशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज हिंडरिंग इट्स डेवलपमेंट, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस सम स्टेप्स विच विल एम्पावर द कोऑपरेटिव सेक्टर। 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स, ट्राई टू राइट दिस आंसर। यस क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स, जन्मी? और आज आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिले राइफेसिन की लाइफ स्टोरी से, टू फिनिश पॉवर्टी वन मस्ट फिनिश ऑफ डिपेंडेंसी फर्स्ट, निर्भरता ही गरीबी की जननी है, निर्भरता खत्म करोगे डिपेंडेंसी फिनिश करोगे पॉवर्टी गरीबी खत्म हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, दैट्स इट। Agreed, any type of poverty, it can be economic poverty, it can be digital poverty, yes, निर्भरता, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी, यस, इट कैन बी थॉट बेस्ड पॉवर्टी, यस, गरीबी किसी भी, इट कैन बी फूड पॉवर्टी, इट्स ऑल अबाउट डिपेंडेंसी, दैट्स इट। आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन एंड आप बस मल्टीपल एरियाज में एनहेंस कीजिए, मल्टीपल एरियाज में डाइवर्सिफाई कीजिए पॉवर्टी के कंसेप्ट को, आपको सारे रास्ते निकल जाएंगे। यहाँ मैं अभी जगह रहूँगा, मैं तो बहाने निकाल कर ये फ्रेज डालूंगा, टू फिनिश ऑफ पॉवर्टी वन मस्ट फिनिश ऑफ डिपेंडेंसी। और हर साल जीएस पेपर 2 में एक सवाल पॉवर्टी के ऊपर आता है, मैं बता दूं पॉवर्टी के ऊपर। आप बस पिछले 5 साल का पेपर निकाल के मेंस का देख लीजिए, रेफेसन जगह दे रहे हैं कि मेरे को इस्तेमाल करो और 2 नंबर एक्स्ट्रा लेकर निकल चलो आईएएस बनकर टॉप 10 रैंक्स लाकर। इट मीन्स दिस विल क्रिएट सच अ इंप्रेशन अपॉन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर दैट उस सवाल में तो एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे ही, साथ में दूसरे क्वेश्चन में एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज इट। विद दिस आई विल एंड द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्ति की घोषणा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बहुत ही क्रिटिकल ये टॉपिक, और एक कोऑपरेटिव सेक्टर की ओवर रेगुलेशंस, ठीक है, और एक डिजिटल लेंडिंग सेक्टर का रह गया है, 2 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे हम लोग कल परसों में। ठीक है, दैट्स इट। दिस इज द टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री PDF के लिए, फर्दर अपडेट्स के लिए, एंड मिलते हैं स्टूडेंट्स शाम को MCQ सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।